हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड। ओके, तो देखिए ये शेयर आपका आज के डेट पे क्लोज हुआ है 2739.20 पे। हाई गया था कितना, 2762.30 एंड लो गया था 2451। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल है 1568.19 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 1566.12 करोड़ एंड पीई रेशियो है 11.93। इस कंपनी के ऊपर अभी डेट है ₹0.10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से भी कम। ओके, तो इसका जो डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0, तो फंडामेंटली एक अच्छा बात है। उसके ऊपर कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹2.18 करोड़, मतलब क्या, कंपनी के पास इतना कैश है कि कंपनी ये जो आपका 0.10 करोड़ का डेट है इसको कभी भी चुका सकता है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹229.54, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.69% एंड ROCE है 17.06%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 30.02% का। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 50.17%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं एंड यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 50.17% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, तो अभी तक जितना भी फंडामेंटली डेटा देखा हम लोगों ने सभी सही था, तो मेरे हिसाब से ये एक फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे और जाके वहां पे थोड़ा सा चार्ट भी एनालिसिस कर लेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का 1 डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को एक क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर आपका अप ट्रेंड में है, कौन सा शेयर आपका डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए ये शेयर आपका 2021 अप्रैल के महीने में चल रहा था, लगभग आपका 897, 860, 850 उसी रेंज में चल रहा था सब अप्रैल महीने में। वहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अप ट्रेंड ही दिखाई, क्योंकि अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 2739, मतलब आपका 10 महीने के अंदर इस शेयर ने लगभग 3 गुना रिटर्न दे चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो क्लियरली हम लोगों को डेली चार्ट में अप ट्रेंड दिख रहा है, तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका एक बार इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी ओपन कर लिया डेली का। तो देखिए आपका 2 फरवरी के दिन यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड 2 फरवरी के दिन उसी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। और कल के दिन भी देखिए यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था और उस कैंडल ने क्या किया था, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा है येलो कलर का, ये वाला लाइन, ठीक है, ये ऊपर का जो लाइन है ये इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लाइन था जिसको तोड़ के ऊपर क्लोज किया था। एंड आज के डे पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जो आपका इस रेसिस्टेंट लाइन के ऊपर ही है, तो टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड आपका डेली चार्ट के हिसाब से आज के डे पे ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। अगर RSI की बात करेंगे तो देखिए RSI भी यहाँ पे आपके अबव 60 है और MACD की बात करेंगे तो देखिए MACD आज के डे पे ही आपका 0 पॉइंट से ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, मतलब डेली चार्ट में फ्रेश एंट्री लेने के लिए क्लियरली हम लोगों को एक साइन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया बिना इंडिकेटर लगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका था 2020 अप्रैल का महीना, ठीक है, मतलब 1 साल 10 महीने के अंदर इस शेयर का प्राइस तब चल रहा था 530, ठीक है, इस जगह पे 530 चल रहा था
और अभी कितना चल रहा है देखिए, अभी आपका चल रहा है 2748 करीब इस जगह पे। मतलब यहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा। और अब अभी आपका अगर आप लोग देखेंगे ठीक से तो ये शेयर जब आपका 2020 अप्रैल के महीने में आपका 530 चल रहा था, इसका मतलब क्या, इस ये आपका एक साल 10 महीने के अंदर ऑलरेडी 5 गुना रिटर्न दे चुका है, लेकिन 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जो कि आपका एक बहुत अच्छा बात है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट ओपन कर लिया। अभी जो करंट वीक खत्म हुआ इसी वीक में देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है। एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाई सिग्नल भी दिया, जो कि एक अच्छा बात है। एंड आपका वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए यहाँ पे 100 डेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में एक क्रॉसओवर फॉर्म हो चुका है। एंड जब भी ऐसा क्रॉसओवर फॉर्म होता है तो शेयर आपका ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर RSI की बात करेंगे तो आपका RSI यहाँ पे आपका अबव 60 है। और अगर MACD की बात करेंगे तो देखिए MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर इसी वीक में आया है। मतलब वीकली चार्ट भी हम लोगों को क्लियरली एक फेस एंट्री लेने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। ये देखिए ये आपका था 2020 दिसंबर का महीना इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या किया था, सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था, तब से देखिए ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड इस महीने में हम लोगों को एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है, जो कि आपका अच्छा बात है। एंड मंथली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर आपका 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपके अबव 60 है। और अगर MACD की बात करेंगे तो MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। एंड लास्ट वाला कैंडल MACD का भी यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो टेक्निकली ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 2740, इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने का है, तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने के अंदर ये शेयर आपका 3200 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके के कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।